पूरा देश जहां आज दशहरे के पर्व पर बुराई के प्रतीक रावण के पुतले का दहन कर रहा है, वहीं इंदौर में रावण दहन करने वाले लोगों से परे एक ऐसा वर्ग भी है जो रावण को अपना आराध्य मानकर दशानंद की पूजा अर्चना और हवन यज्ञ कर समाज की मान्यताओं को दरकिनार कर रावण को प्रकांड विद्वान और महान योद्धा के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। ये दृश्य इंदौर का है जहां हवन पूजन और आरती के द्वारा लंकेश की भक्ति की जा रही है। पहली बार देखने वाले शख्स को ये देखकर अटपटा लग सकता है कि बुराई के प्रतीक जिस रावण को आज देश भर में दहन किया जाएगा, उसी रावण की भक्ति में डूबे ये लोग हवन यज्ञ और पूजन कर रावण के मंदिर में जयकारे लगा रहे हैं। लेकिन ये श्रद्धा आज की नहीं बल्कि लगभग कई दशकों से इंदौर का गौहर परिवार रावण को ही अपना आराध्य मानकर उसकी पूजा करता चला रहा है। उनका मानना है कि रावण को बुराई के स्वरूप में देखने वाले लोगों को रावण की अच्छाई और प्रकांडता को भी देखना चाहिए। हर वर्ष इंदौर का ये परिवार रावण मंदिर में दशहरे के दिन उत्सव के रूप में मनाता है। इस पूजा अर्चना और भक्ति के माध्यम से ये लोग समाज में रावण के सकारात्मक रूप को स्थापित करना चाहते हैं। गौहर परिवार के सभी सदस्य रोजाना दशानंद के दर्शन और पूजा पाठ के बाद ही अपने कामों के लिए बाहर निकलते हैं। वैसे पूजन करने का समय तो हम आज से करीबन 50-60 साल हो गए हम लोग पूजन करते आ रहे हैं, और उद्देश्य हमारा सिर्फ यही है कि रावण जो है दशगिरि दशानन शिव के 10वें अवतार हैं, 11वां अवतार उनका बजरंग बली का है, और 12वां अवतार जो है उनका वो फिर शिव जो है पत्थर के बन गए, पाषाण हो गए हैं, जो शिवलिंग जो आधा पिछले 12 ज्योतिर्लिंग जो है वो इस तरह से उसके बाद फिर भगवान ने जन्म लिया ही नहीं है। तो जब शिव है तो शिव की आराधना करना कोई बुरी थोड़ी बात है, शिव की पूजा करते हैं और करते आ रहे हैं हम लोग। रावण जो है दशगिरि दशानन भोलेनाथ 10वें अवतार हैं, और तमाम सारे लोग कहते हैं कि अत्र तत्र सर्वते ब्राह्मणे पूज्यते, जब यहाँ वहाँ सब जगह ब्राह्मण पूजा के योग्य है, तो जब रावण भी ब्राह्मण है तो उनको पूजने में क्या इतराज है, उनको क्यों जला रहे हैं भाई। बस ये दिमाग में पैदा हुई बात, उस बात को लेकर के हमने अध्ययन करना शुरू करा। यहाँ तक हम फिर अध्ययन करते करते यहाँ तक पहुँच गए कि तमाम सारे शोधकर्ताओं की हमने जो शोध पत्र थे उनको पढ़ा, और पढ़ने के बाद ये महसूस हुआ कि रावण जो है प्रकांड पंडित विद्वान होने के साथ साथ देवों के देव महादेव के 10वें अवतार हैं, और उनका पूजन मनन करना चाहिए। एक बच्चे का मेरे पोते का नाम, मतलब बच्चों के नाम तो मैं रख नहीं पाया, खैर मेरे बच्चे का नाम एक परिचिता है, और परिचिता के वंशजों में ही रावण हुए हैं। ब्रह्मा जी के 10वें पुत्र का नाम प्रचिता है, मेरे भी एक बच्चे का नाम प्रचिता है, उसके बाद में मेरे यहाँ जो पोता पोती हुए उनका नाम, एक का मैंने लंकेश रखा है, एक का नाम मैंने सूर्पणखा मतलब चंद्ररखा रखा है, और इस तरह से अब जो मैं पांचवी पीढ़ी मेरी प्रवेश कर चुकी है। 14 में हमने राष्ट्रपति के साहब के नाम से ज्ञापन भी दिया था कि जो देश में जो रावण के पुतले जलते हैं दहन होता है उनको बंद किया जाए, जिससे वायु प्रदूषण हो रहा है। इंदौर में भी हमने हाई कोर्ट पिटीशन कर रखी हमारे हाई कोर्ट के वकील हरीश शर्मा जी के माध्यम से, और उसको भी काफी अर्सा हो चुका है, लेकिन अभी कोई फैसला नहीं हुआ, तारीखों पर तारीखें चलती आ रही हैं। रावण के इस अनोखे मंदिर के दर्शन के लिए प्रदेश भर से लोग यहां पहुंचे हैं। इंदौर के परदेशीपुरा इलाके में रहने वाले गौहर परिवार ने वर्ष 2010 में रावण के इस मंदिर की स्थापना की थी। गौहर परिवार ने कई बार दशहरे पर रावण का दहन न करने को लेकर एक पत्र भी लिखकर राष्ट्रपति तक पहुंचाया है। वहीं दूसरी ओर रावण को सार्वजनिक स्थान पर दहन न करने के लिए कई बार कोर्ट में भी याचिकाएं गौहर परिवार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है।